प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर अंग्रेजी में पेसीओएस के दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्टिवोइस को पेसीओएस में चेंज करवाया जाता है या पेसीओएस को एक्टिवोइस में चेंज करवाया जाता है, अथवा यह पहचान करवाई जाती है कि वाक्य एक्टिवोइस में है अथवा पेसीओएस में है। सबसे पहले हम एक्टिवोइस को पेसीओएस में बदलना सीखेंगे, उसके बाद में पेसीओएस को एक्टिवोइस में बदलना सीखेंगे, और इससे हमारे को इन वाक्यों को पहचान करना भी अपने आप आ जाएगा। इसके लिए हमें अंग्रेजी के टेंस नहीं सीखने हैं और नई सेंटेंस का अर्थ सीखना है। इसके लिए केवल अपने को ट्रिक काम में लेनी है और उस ट्रिक का ध्यान रखना है। और वाक्य में मैं विशेष शब्द विशेष वर्ड बता रहा हूँ, उन वर्ड्स को वाक्य में खोजना है और उसी से अपने को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और उसी वर्ड से हम सेंटेंस की पहचान करेंगे कि वह एक्टिव वॉइस में है अथवा पैसिव वॉइस में है। तो सबसे पहले आपको ट्रिक को लिखना है, मेरे साथ आप लिखते जाएंगे। ट्रिक नंबर वन बता रहा हूँ मैं, बीन जोड़ने का नियम। ये जो नियम है वो बीन जोड़ने का नियम है। जो पहली ट्रिक है इसमें अपने को वाक्य में बीन जोड़ना है, BWN बीन। इसका नियम क्या है, कौन सा ऐसा वाक्य होगा जिसमें अपन बीन जोड़ेंगे, तो इसके लिए हमारे को वाक्य में क्या देखना है, जहाँ सेंटेंस में हैज हो या हैव हो अथवा हैड हो या विल हैव हो या शैल हैव हो, इनमें से यदि कोई वर्ड आता है वाक्य में, हैज आ जाता है, हैव आ जाता है या हैड आ जाता है या विल हैव आता है, इनमें से कोई भी एक वर्ड आ जाता है तो अपने को बीन जोड़ना है। तो सबसे पहले हम वाक्यों में इन वर्ड्स को खोजते हैं कि ऐसे वर्ड्स अपन को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, नूतन हैज रिटर्न दिस लेटर। मान लीजिए आपको किसी भी वर्ड का अर्थ नहीं आ रहा है, आपको केवल इन वर्ड्स को खोजना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने को हैज यहाँ मिल जाता है, हैज। दूसरे वाक्य में देखिए हेड, ये यहाँ मैंने हेड लिखा है, ये यहाँ हेज लिखा है, ये वर्ड्स अपने को यहाँ मिल रहा है। यहाँ ये विल हैव है, यहाँ सेल हैव है, यहाँ हैव वर्ड आया है। इन्हीं वर्ड्स को मैंने बताया है, इनको आपको खोजना है कि ऐसे वर्ड्स कहीं है। आपको केवल ये वर्ड्स जहाँ मिल जाते हैं इन शब्दों के बाद में बीन जोड़ना है और कुछ नहीं करना। बीन जोड़ने से वाक्य एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हैज, तो मैं लिखता हूँ हैज और इसके आगे जोड़ देता हूँ बीन, हैज बीन हो गया। आगे जो अक्षर लिखा हुआ है उसको वैसा का वैसा उतार लो, चाहे आपको उसका अर्थ आता हो या नहीं आता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वर्ब जो है, वर्ब का फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म बन चुका है। किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमारे को एक से अधिक ट्रिक का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन में अपन एक ही ट्रिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक पढ़ेंगे, शेष नियमों को बाद में देखेंगे। इसलिए आपको इतना देखना है कि हेज आने पर हेज के बाद में अपन बीन जोड़ देते हैं। आगे का जो अक्षर है उसको वैसा का वैसा लिखा, हेज को वैसा का वैसा लिखा। आगे जो वर्ड लिखा हुआ है उसको इधर ला के रखोगे, तो दिस लेटर लिखा हुआ है, तो ये दिस लेटर लिख दिया मैंने, दिस लेटर हैज बीन। जो पहले वर्ड है उसको लास्ट में लिखोगे और वो बाई लिखे लिखा जाएगा, तो बाई नूतन। इस तरह से पहला जो वाक्य था इसको अपन ने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल दिया है, ये पैसिव वॉइस। नेक्स्ट वाक्य है उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं, ही हेड रिटर्न ए लेटर। आपको और कुछ नहीं ध्यान रखना, केवल हेड का ध्यान रखना है, तो हेड को वैसे के वैसे उतार दो, हेड के बाद में आपको बीन जोड़ना है, उसके बाद में अगला अक्षर जैसा है उसको वैसा का वैसा लिखो। ये जो अक्षर है लास्ट वाला इसको अपन शुरू में लिखते हैं, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए लेटर हेड बीन रिटर्न, और जो शुरू वाला अक्षर है उसको लास्ट में लिखा जाता है, तो उसको बाई लिख कर लिखा जा रहा है, बाई हिम। इसी तरह से नेक्स्ट वाक्य चेंज करते हैं, इसमें विल हैव लिखा हुआ है, तो
विल हैव लिख दीजिए, विल हैव के बाद में बीन जोड़िए, इसके बाद बाद में जो लिखा हुआ है अब उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं, जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको स्लो में लिख देते हैं, इसी तरह से नेक्स्ट वाक्य को विल हैव, सेल हैव की जगह मैंने विल हैव लिखा है, क्योंकि जो लास्ट वाला अक्षर है उसको अपन इधर लाएंगे तो यू को यहाँ लिखेंगे तो यू के साथ में विल आएगा, सेल आई के साथ में हमेशा सेल आता है इसलिए मैंने यहाँ विल लिखा है, क्योंकि विल और आई एक ही फैमिली के सदस्य हैं, इनका विशेष आपको ध्यान रखना है। इनके बाद में बीन जोड़ना है, आगे जो अक्षर है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, फिर बाई लिखे जो शुरू वाला अक्षर है उसको लास्ट में लिख देंगे, इनका रूप चेंज हो जाएगा जो अगले नियम में आपको बता दिया जाएगा। आई का मी हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है। ये लास्ट सेंटेंस देखिए, हैव वर्ड आया है, हैव को हम वैसा का वैसा लिखते हैं, हैव के बाद में बीन जोड़ते हैं, उसके बाद वाले अक्षर को वैसा का वैसा लिख देते हैं, जो शुरू का अक्षर है उसको बाई लिख के लिख देंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया दे का देम हो जाता है, तो दे लिखा हुआ है तो इसका देम हो जाएगा, ये देम लिख दिया मैंने। दे का देम इसलिए होता है क्योंकि दे सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में इसका देम हो जाएगा। वन वर्ड के बाद में द इलेक्शन लिखा हुआ है तो इसको अपन सरों में लिख देंगे, द इलेक्शन हैव बीन वन बाई देम, ईजीली वर्ड है तो ईजीली को यहाँ लिख दो, ईजीली लास्ट में है लास्ट में लिख दो। इस तरह से हमने बीन जोड़ने के नियम से इन वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में चेंज किया है। इसमें आपको ध्यान इतना रखना है कि वाक्य में हैज आ जाता है, हैव आता है, हैड आता है, विल हैव आता है, सेल हैव आता है, तो ऐसे वाक्यों को पेसिव वॉइस में बदलने के लिए बीन जोड़ा जाता है। यदि वाक्य ऐसा है जिसको पेसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता तो वहाँ अपने को ऐसा कहा नहीं जाएगा कि उसमें आपको पेसिव वॉइस में चेंज करना है, यदि चेंज करना किया जा सकता है तो उसमें ये नियम लागू आराम से हो जाएगा, आसानी से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि जैसे मैंने ही को हिम में बदल दिया तो ये ही सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसके आगे के नियमों में बता दिया जाएगा। अभी थोड़ा समझ लेते हैं, दे को दे में बदल देते हैं, आई को मे में बदल देते हैं, दे को मैंने बता दिया कि दे को दे में बदलते हैं। इस तरह से अपनी ट्रिक, सबसे पहले जो ट्रिक है वो मैंने बीन को लिया है, नेक्स्ट में अपन दूसरी ट्रिक लेंगे।